अरुण पुरोहित और क्या कांग्रेस क्या कर रही है भाई? कांग्रेस क्या गठबंधन धर्म निभाने में उच्च प्राथमिकता का विषय है, गठबंधन धर्म निभाने में लगी हुई है उसके उसको भाई, छोटी बड़ी घटनाओं पे जिस तरीके की प्रतिक्रिया राहुल गांधी प्रियंका गांधी देते रहे हैं, और यहां जो है वो चुप्पी जो है वो टूटी नहीं रही है कांग्रेस के किसी नेता की। रंजीत कुमार जी, ये चुप्पी या गप्पी की बात नहीं है, ये सामाजिक कलंक है हमारे ऊपर। ऐसी घटनाएं जो हो रही, चाहे लखनऊ की कहो, अयोध्या कहो, उन्नाव की कहो, आप किसी भी जगह की देखो, पूरे पैन इंडिया, मैंने कई बार चर्चा में कहा, जो इस प्रकार की घटनाएं होती है उसमें पॉलिटिकल कलर नहीं देना चाहिए किसी को, और तुरंत एक्शन होना चाहिए। एक्शन ऐसा होना चाहिए जो एक सामाजिक एक उदाहरण बने, जो लोग ऐसे करने से कांपे, डरे। वो एक्शन नहीं देखने को नहीं मिल रहा देश में। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अभी जो बात आप कह रहे थे कि हमारे जुडिशियल प्रोसेस के अनुसार होगा, जुडिशियल प्रोसेस को फास्ट करने की आवश्यकता है। अभी किसी विदेशी महिला के साथ कुछ होता है तो 8 दिन 10 दिन 15 दिन में सजा दे दी जाती है। वैसा ही जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का एक हम लाए थे सिस्टम देश के अंदर, वैसा सिस्टम होना चाहिए। तुरंत प्रभाव से 10 दिन 15 दिन में ऐसे आदमी को सार्वजनिक फांसी देंगे। आपकी पार्टी तो पहले भी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बड़ी राजनीति करती रही है भाई, उन्नाव से लेकर, हाथरस से लेकर, और अभी लखनऊ में भी, लखनऊ में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना को लेकर के भी आपकी पार्टी के नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। तो भाई वहां भी तो राजनीति हो रही है ना, यहाँ पे राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? और राजनीति क्या की बात इसमें क्या है? अगर कोई पार्टी का आदमी, और वो भी इस बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी, अगर इतना जघन्य अपराध में पाया जाएगा तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करना राजनीति है? मेरी बात तो सुन लो पूरी आप। मैंने नहीं कहा राजनीति है, उस पर भी आ रहा हूं मैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स की जो यूनिवर्सल बात है, देश की जो प्रॉब्लम्स आ रही है उस पर चर्चा की मैंने। अब मैं आप जो कह रहे हो समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं निकाला, ये इनको तुरंत एक्शन करना चाहिए था। ये ऐसे कुकृत्य अक्षम्य है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर ऐसे व्यक्ति कोई भी हरकत करता है तो कुछ घंटों में निकाल के बाहर कर देना चाहिए। इतना समय थोड़ी होगा, 3 दिन 4 दिन तक आप जेल भेजोगे, पेपरों में आएगा। अभी मीडिया ट्रायल की बात, मीडिया ने तो जनता का प्रश्न ही कौन उठाएगा मुझे बताइए आज के टाइम पे। नेता जो है वहां का, जो स्थानीय विधायक है, सांसद है, जहां भी एक किस प्रकार की घटना हो रही है उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ठहराना चाहिए। क्योंकि जनप्रतिनिधि होता है, घर घर वोट मांगने जाता है, जब तो सबकी स्थितियों के वादे करते हैं, चाहे सांसद हो, विधायक, कहीं का हो देश भर में, तो वो कहां गायब हो जाते हैं? सबसे पहले तो उनके ऊपर होना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। भाई आप कहां थे, घटना है, आप जब वोट मांगने 15 दिन तक घूमते हो ना सुबह शाम, तो आप क्यों नहीं दिन भर घूमते हो? आप ध्यान क्यों नहीं देते भाई कौन सी बच्ची के साथ कहां क्या हो रहा है? ये लेकिन मैं कह रहा हूं भाई, आप मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी को अपनी ही अपने सहयोगी पार्टी को कम से कम ये तो सवाल एक बार करना चाहिए ना उससे, समाजवादी पार्टी से, कि भाई इतनी इतना जघन्य अपराध में आदमी शामिल है, इसके खिलाफ आपका एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आप साथ हैं, सहयोगी हैं, तो अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो ये भी माना जाएगा कि आपकी भी मौन सहमति है। रंजीत कुमार जी, जब चिन्मय नंद का बलात्कार का केस वापस लिया जाता है, जब तो कोई प्रश्न नहीं होता था, जब तो प्रश्न उठाना चाहिए ना ऐसे जघन्य अपराधों के केस तो वापस लेने। इसलिए अगर वो बात अगर गलत है तो इसलिए आपकी ये बात सही हो गई, इसलिए बात सही मानी जाएगी, और इस पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए कि अगर सरकार आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी की जवाब दे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हर बात का ऐसी बातें कर रहे हो, इनको भी तो देना चाहिए जवाब। हर बात में विपक्ष जवाब दे, इसीलिए 240 पहुंच गए। अगर यही एटीट्यूड ये रखेंगे, हर बात का जवाब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दे, तो इनको किस प्रकार से सरकार में, सत्ता में क्यों दिया जनता ने? जवाब तो ये देंगे, विपक्ष तो सवाल पूछेगा। तो आपने कहा कि सारी राजनीतिक दलों को इस पर एक होना चाहिए, वही मैंने आपको कहा शुरुआत से, सबको एक होना चाहिए। कहां आप एक हैं? अगर आप एक होते तो समाजवादी पार्टी को इस पर सवाल करते थे, समाजवादी पार्टी से, अपने सहयोगी से कम बंद कमरे में ही सही, ये तो कहते ना कि भाई ये क्यों कर रहे हो, इसे क्यों नहीं निकाल रहे हो, एक मैसेज देने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? वो मैसेज राहुल जी और अखिलेश जी की वार्ता होकर के भी अभी वायनाड से लौटेंगे, कोई ना कोई बात जरूर होगी। आपने प्रश्न उठाया तो वो भी टीवी देखते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन अगर हम आज ये चर्चा करेंगे कि राजनीतिक रूप से सारे राजनीतिक दल एक हों, जब ऐसी समस्याएं दूर होंगी, और इसका एक सोशल बहुत बड़ा कारण है, इस प्रकार की गुंडे, इस प्रकार की मानसिकता के, उस पर तो संसद में किसी भी सोशल इश्यू पे, मैंने आपसे डिबेट देख लो, सोशल इश्यूज पे संसद में चर्चा ही नहीं होती है। ठीक है, पैन इंडिया प्रॉब्लम है। लेकिन इस समय इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो आरोपी मोहित खान है उसकी संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है, और आरोपी मोहित खान के बेकरी पे इस समय जो है यूपी के जो इससे जुड़े हुए अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, और अभी जांच का काम शुरू हो गया है कि उसकी जो संपत्ति है उसमें क्या क्या अवैध है, वैध है, वगैरह वगैरह। तो उसके खिलाफ नकेल कसने की पूरी तैयारी हो गई है, और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध को लेकर इस बात को योगी सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस रखा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
तो उसकी एक तरीके से आप देखिए, उसकी एक वानगी आप देख सकते हैं कि अभी अभी जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये अयोध्या की तस्वीरें हैं, जहां पर कि मोईन खान के पूरे संपत्ति की जांच शुरू हो गई है और उस पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। सुजाता पांडे के पास चलूंगा। सुजाता पांडे भाई, बीजेपी से तो सवाल हो रहा है कि लखनऊ में कैसे लड़की के साथ छेड़छाड़ हो गया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन एक नाबालिग बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी होती रही, समाजवादी पार्टी का नेता उसमें शामिल है, उसकी उसकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन उसके बावजूद बोलना, मतलब एक्शन करना तो छोड़िए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हो तो एक बड़ी बात होती, बोल भी नहीं पा रहे हैं लोग, न कांग्रेस के लोग, न बीजेपी, न समाजवादी पार्टी के लोग। रंजीत जी, क्योंकि मैं एक महिला हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि जो लोग पैनल पे बैठे हैं वो मेरी बात को सुने और समझें। पहली बात तो ये है कि देखिए, जो जो लोग हर दिन हर एक व्यक्ति की जाति जाति पूछते रहते हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और ये सारे इंडिया अलायंस के जितने ग्रुप मेंबर्स हैं, उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि विक्टिम की क्या जाति थी? उस 12 साल की बच्ची जिसका गैंगरेप किया गया, वीडियो बनाई गई, उसको प्रेग्नेंट किया गया और शायद उसका भविष्य बर्बाद हो चुका है, क्योंकि अभी अयोध्या जैसे जगह में उस व्यक्ति के, उस बच्ची के साथ जो हो रहा होगा समाज के तौर पर भी, वो शायद हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सके। आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो ये व्यक्ति है जिसने ये जघन्य अपराध किया है, वो अयोध्या के जो नए नवेले सांसद हैं अवधेश प्रसाद के, का कोर ग्रुप का मेंबर ही नहीं है, वो उनके साथ उठता बैठता भी रहा हुआ है। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? आई डोंट नो, अभी मुझे पता नहीं है कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कैसे पता चलेगा अवधेश? उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो क्या ये वही बातें नहीं है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है? या फिर ये वही लोग नहीं है जो कहते हैं कि रेप हुआ है? तो जरा जरा दिखाओ कहां कहां छुआ था तुमको। क्या ये वही लोग नहीं है जो कहते हैं कि एक बार प्रूफ करके दिखाओ ना, एक बार फिर से रोल प्ले करके दिखाओ कि रेप कहां कहां हुआ था? और यही हमारी समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब संदेश खली पे भी चुप रह जाते हैं और अयोध्या पे भी चुप रह जाते हैं, क्योंकि वहां पे वोट बैंक की राजनीति है। और इसीलिए अनंजीत जी, आपको बताती हूं कि मणिपुर पे आपका बोलना सही है, सभी विपक्ष का सरकार को घेरना सही था क्योंकि वहां गलत हुआ, लेकिन संदेश खली पे भी चुप रहना गलत था। जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के साथ पे भी, जब 12 साल की बच्ची को रेप करके सड़क पे फेंक दिया गया था, नाली में फेंक दिया गया था, वहां पे भी प्रियंका गांधी का उसके बगल में, उसके 2 दिन बाद अपनी बर्थडे का केक काटना वही रणथंभौर में, वो भी गलत था, लेकिन मीडिया ने उस पर कुछ नहीं करा, पार्टियां चुप बैठी रही। और ये पैटर्न्स और गलत क्या क्या है जरा देखिए, मैं तस्वीर, हम लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं अभी, सुजाता पांडे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा देखिए। अवधेश 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 प्रसाद के साथ उस आदमी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और तस्वीरों को जरा देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी इंटीमेसी है, कितना कितना प्यार है दोनों के बीच में। जरा देखिए, कंधे पे हाथ रख के बात कर रहे हैं। अभी अभी सैयद अली अब्बास कह रहे थे कि अरे उसकी हैसियत क्या है भाई, अखिलेश यादव कहते हैं कि अयोध्या के नए राजा हैं अवधेश प्रसाद, अवधेश प्रसाद अयोध्या के नए राजा हैं, और राजा का हाथ किस पर है, किसके कंधे पे है, किसकी पीठ पे है, जरा देखिए, वो मोईन खान है जिसने 12 साल की बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी की। अगर अयोध्या के नए राजा का हाथ इस तरह के दरिंदे के हाथ के कंधों पे रहेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी साहब, और उसके खिलाफ क्या क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप सैयद अली अब्बास? नहीं रंजीत जी,